नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। देखिए मूल अधिकार, अब ये मूल अधिकार होते क्या हैं, इन्हें कौन लागू करता है, क्या ये निलंबित होते हैं या नहीं होता है, इनकी रक्षा कौन करते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आज आपको मिलने वाले हैं। तो देखो ये जो मूल अधिकार होते हैं ना, इनका एक नाम और है, इन्हें कहा जाता है मेगना कार्टा। क्या कहते हैं इन्हें? मेगना कार्टा कहते हैं। ये जो शब्द है ये है फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ब्रिटेन ने सबसे पहले जो है वो इस शब्द का प्रयोग किया, ब्रिटेन ने सबसे पहले जो है मूल अधिकारों को लगाया। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो मूल अधिकार होते हैं ये सब क्या निलंबित होते हैं, क्या ये प्रतिबंधित होते हैं, या फिर ये जो है इनका रक्षक कौन है, और सबसे मेन चीज है कि ये मूल अधिकार होते किसके लिए है। तो देखो ये जो मूल अधिकार है ये किसी कंपनी के लिए नहीं होते हैं, ना किसी कार्यालय के लिए होते हैं, ना किसी ऑफिस के लिए होते हैं, ये होते हैं हमारे लिए, यानी कि व्यक्तियों के लिए बने हैं, नैसर्गिक होते हैं। कैसे होते हैं? नैसर्गिक। ये क्वेश्चन भी आता है कि मूल अधिकार जो है वो क्या है? प्रकृति प्रदत्त है। हर एक व्यक्ति जीवन जीने का अधिकार रखता है, हर एक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है, इसी कारण तो हमें सेल्फ को मारने का भी अधिकार नहीं है, यानी आत्महत्या का भी हमें जो है वो अधिकार नहीं है। तो ये जो है ना नैसर्गिक है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, कोई भी आपके मूल अधिकारों को नहीं छीन सकता है, हनन नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी देखो इन मूल अधिकारों को जो है व्यवस्थित रूप देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मूल अधिकारों को जो है वो लागू कौन करता है? तो मूल अधिकार जो है वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, संसद के द्वारा जो है वो लागू होते हैं। अब तीन शब्द हैं, पहला शब्द क्या है? प्रतिबंधक, ठीक है। दूसरा शब्द है निलंबित, और तीसरा है रक्षक। आपको ये तीनों ही शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए। तो मूल अधिकारों का प्रतिबंधक कौन होता है? तो वो होती है संसद। संसद जो है वो मूल अधिकारों का प्रतिबंध कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि एक प्रतिबंधक के रूप में भी संसद काम करती है। मूल अधिकारों में संशोधन का काम भी जो है वो संसद करती है। संसद चाहे तो उस मूल अधिकार को जो है कुछ समय के लिए होल्ड कर सकती है। जैसे कोरोना के समय में आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें हम बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रहे थे, अगर बाहर आते तो जाहिर है कि हमें समस्या हो जाती। क्यों? क्योंकि कोरोना जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे में जा रहा था हवा के माध्यम से। तो इसी कारण जो है आपको तो मूल अधिकार है कि आप घूमो, लेकिन आपके मूल अधिकार से अगर किसी को तकलीफ होती है तो ऐसी परिस्थिति में वो मूल अधिकार जो है वो दूसरे के लिए हानि होता है, और ऐसे में उसको होल्ड कर दिया जाता है। तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध का काम जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। अब आता है कि निलंबित कौन करता है मूल अधिकारों को? तो देखिएगा हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो मूल अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। निलंबित का मतलब ये नहीं होता कि उसे खत्म कर देना, निलंबित का मतलब ये होता है युद्ध हुआ, आपातकालीन स्थिति हुई, बाहरी आक्रमण हुआ, ऐसी परिस्थिति में हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो मूल अधिकारों को थोड़े समय के लिए जो होल्ड करता है उसे निलंबन कहते हैं। तो मूल अधिकारों को जो है ज्यादा समय के लिए होल्ड अगर आप करते हो तो उसे प्रतिबंधक के रूप में जाना जाता है, जो संसद के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर थोड़े कम समय के लिए किसी भी कारण से राष्ट्रपति करता है उसे निलंबन कहते हैं या निलंबित कहते हैं। अब इनका रक्षक कौन है? तो इनका रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर आपको लगता है कि आपके मूल अधिकारों का जो है हनन हुआ है, फिर चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे किसी अन्य कारण से हो, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो, और कोर्ट में जो है अपनी बात रख सकते हो। और ये जो मूल अधिकार है ये वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब है आप इनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, और कोर्ट के द्वारा जो है सरकार को भी उचित दिशा निर्देश मिलते हैं और फोर्सेबल ये होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मूल अधिकार जो है किस देश के संविधान में लागू हुए?
तो और हमने कहाँ से लिए हैं? तो देखिए, सबसे पहले है यूएसए। यूएसए के संविधान में जो है वो मूल अधिकार आए। यूएसए का संविधान कब बना था? 4 मार्च 1789 को। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे, और जॉर्ज एडम्स जो है वो उस समय उपराष्ट्रपति थे। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? मूल अधिकार लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं, अगर आपको लिखना हो तो आप नोट कर लेना, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। हमने जो है एक तो लिया क्या है, मूल अधिकार लिया है, और क्या लिया है, देखो न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है, इस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे, न्यायिक पुनः विलोकन है। थर्ड नंबर पर हमने क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। फिर फोर्थ नंबर पे हमने ली है जनहित, सही नहीं लिखा मैंने, है ना, जनहित याचिका, है ना, और फोर्थ नंबर पे हमने जनहित याचिका ले ली है, और फिफ्थ नंबर पर हमने लिया है महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि हम राष्ट्रपति पे लगाते हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने यूएसए से ली है। अब देखो यहाँ पर एक और बात आती है कि वर्तमान में हमारे मूल अधिकार कितने हैं, ठीक है, और मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो चलो इस पर भी हम बात करते हैं। देखो मूल अधिकार जो है वो सबसे पहले है किस भाग में, और कब से कहाँ से कितने हैं, तो मूल अधिकार जो है वो हमारे है भाग 3 में है। आपको बता दें भाग 3 है, लेकिन हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो टोटल जो है वो भागों की संख्या कितनी है, 22 भाग है। 3 जो है वो क्या है, उपभाग है। कौन कौन से 3 उपभाग है, तो एक तो है 4A, एक है 9A, और एक है 14A। अब इसमें है क्या, 4A में तो आपको पता ही है खाली भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व है, और 4A में क्या है, मूल कर्तव्य है, और मूल कर्तव्यों को जो है वो हम पढ़ेंगे 51A में, ठीक है। उसके बाद है 9A में क्या है, नगर पालिकाएं है, नगर पालिका है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 14A में क्या है, तो विभिन्न प्रकार के अभिकरणों के बारे में बताया है, विभिन्न अभिकरणों की जानकारी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मूल संविधान में जो है 12 भाग है, 3 उपभाग है, ये तीनों ही मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं यहाँ पर, भारत में जो है वो मूल अधिकार हमने लिए हैं यूएसए से, और यूएसए का संविधान जो है 4 मार्च 1789 को बना था, उस समय जो है जॉर्ज वॉशिंगटन। अब हम आगे बात करते हैं, देखो भाग 3 में है कितने थे प्रारंभ में, तो ये जो थे वो 7 थे, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। कौन सा हटा है, वो है, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कहां से कहां तक है, तो देखो 12 से लेकर 35 तक है। अब कौन सा हटा है, वो हटा है 31वां। 31वां हटा है वो कौन सा था, वो था संपत्ति का, संपत्ति का अधिकार था वो यहां से हट गया है, संपत्ति का मूल अधिकार इसे हटा दिया गया है। यानी मैं आपको सारे पढ़ाऊंगी, 31 नहीं पढ़ाऊंगी, तो आप ध्यान में रखना, संपत्ति का मूल अधिकार जो है वो हटा दिया गया है वर्तमान में, इसे जो है वो क्या कर दिया है, कानूनी अधिकार के रूप में ले लिया है। तो वर्तमान में क्या है, कानूनी अधिकार है। अब देखो संविधान में कोई चीज हटती है तो संशोधन होता है, कोई चीज जुड़ती है तो संशोधन होता है, तो इसको हटाया है। हटाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन होगा, 44वां संविधान संशोधन। आपसे अलग से भी पूछ लेते हैं, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। अब ये कब हुआ था, तो 1907। देखो 42 और 44 में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ तक के डिजिट तो बराबर है, 197 है। अब 42वां कब हुआ था, तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6। 44वां है तो 4 और 4 कितने हुए, 8। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, उसमें जो है संपत्ति का मूल अधिकार जो 31 वाला अनुच्छेद था उसको हटा दिया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया, इसको रख दिया 300
ए बोलूं चाहे क बोलूं इसमें जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो है वो हमारे मूल अधिकारों की संरचना हुई। और अब जो है वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, जिसको हम 1 by 1 सारा पढ़ेंगे, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं वापस अगले वीडियो में, तब तक जो है आप इसको नोट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो।